अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल कहीं दीप जले में अब तक आपने देखा कि शुमैला जिशांग को रीता से बदजंग करने की पूरी कोशिश करती हैं और इसी वजह से जिशांग का रवैया रीता के साथ बदलना शुरू हो जाता है। और आगे आप देखेंगे कि एक दिन जिशांग रीता को उनके भाइयों के घर लेकर जाता है और फिर जिशांग रीता के कमरे में जाता है, उसकी किताबें देखना शुरू करता है। तब उसे वहाँ एक ऐसी किताब मिलती है जो सारी के सारी रीता की खूबसूरती पर लिखी होती हैं। और जब वो घर वापस आते हैं तो जिशांग रीता से पूछता है कि ये तौकीर कौन है जिसने तुम्हारी खूबसूरती पर पूरी किताब लिख दी है। रीता अपनी सफाई देने की पूरी कोशिश करती हैं लेकिन जिशांग बहुत गुस्से में होता है और वो रीता को धक्के देकर अपने घर से निकाल देता है। और जब इसका पहाम को पता चलता है तो वह जिशांग के पास उनके घर आता है। तब जिशांग उसे वो डायरी दिखाता है जिसे देखकर पहाम बहुत शर्मिंदा होता है। और जब घर वापस पहुंचता है तो रीता अपनी माँ को अपनी गुनाही का यकीन दिला रही होती है। तो पहाम उसे कहता है कि रीता के लिए अब इस घर के दरवाजे बंद हैं। पहाम की माँ उसे समझाती है कि बेटा ये तुम्हारी बहन है जिससे तुम बहुत प्यार करते हो। ये सुनकर पहाम कहता है कि ये मेरी बहन नहीं, सिर्फ एक गंदी और गलाजत का ढेर है। जिस पर उसकी माँ कहती है कि अगर रीता कुरान पाक पर हाथ रखकर कसम उठा ले फिर तो यकीन करोगे ना। इस पर पहाम मान जाता है और इसके बाद रीता कुरान पाक पर हाथ रखकर कसम उठाती है। पहाम रीता को गले से लगा लेती है और कहता है कि फिकर मत करो, मैं जिशांग से बात करके आता हूँ। पहाम जिशांग से बात करने जाता है तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद आगे आप देखेंगे कि शुमैला रीता को पहाम की मौत का जिम्मेदार ठहराती है, इसीलिए वो रीता को अपने घर से निकाल देती है। इस सब में हातिम भी शुमैला का साथ देता है। आगे आप देखेंगे कि हातिम और शुमैला की शादी कर दी जाती है। अब शुमैला बहुत खुश है क्योंकि उसे रीता कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आती। और फिर एक दिन अचानक शुमैला की सच्चाई हातिम के सामने आ जाती है। हातिम घर आकर शुमैला पर चिल्लाता है कि वो तुम ही थी जो रीता की जिंदगी बर्बाद की। पहले तो वो इनकार करती है और जब हातिम उसे मारना शुरू करता है तो वो खुद ही सारी सच्चाई उगलती है कि किस तरह उसने रीता की जिंदगी बर्बाद कर दी। इसके बाद हातिम उसे तलाक देकर अपने घर से धक्के देकर निकाल देता है और फिर रीता के पास जाता है और उनसे माफ़ी मांगता है। रीता उसे माफ़ करती है और वापस हातिम के साथ घर आ जाती है। दूसरी तरफ जिशांग पर भी हकीकत खुल जाती है और वह भी रीता के पास माफ़ी मांगने पहुंच जाता है लेकिन रीता उसे माफ़ नहीं करती। तो दोस्तों, आप लोगों के ख्याल में रीता को जिशांग को माफ़ कर देना चाहिए या नहीं और शुमैला का क्या अंजाम होना चाहिए, कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।